मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी ट्रेनर, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट और कोच हूँ। मैं बताने वाला हूँ आपको आज बच्चों के पढ़ाई के बारे में। काफी बच्चे हमारे पास में आते हैं, बोलते हैं भाई पढ़ाई कैसे करना, टाइम टेबल कैसे बनाना, ये पता नहीं। उनको जब मैं बताता हूँ कुछ उसके कुछ तरीके, तो उसमें पहला बताता हूँ कि भाई बिगिन विद द एंड इन माइंड। एंड क्या है? जैसा दसवीं का बच्चा आ रहा है तो उसको बोलते हैं तुमको करना क्या है, बोले नहीं नहीं मुझे डॉक्टर बनने का, मेरा ऑल इंडिया टेस्ट जो है वो 2019 में है या 2018 में, जो भी मतलब जो भी कुछ होगा उसका। तो फिर मैं बोला ठीक है भाई, यदि आपका टेस्ट, यदि वो फाइनल टेस्ट, यदि वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यदि आपका 2018 में या 2019 में या 2020 में जो भी कभी होगा, अभी वहां से चालू करो और पीछे पीछे आ जाओ। उसको बोलते हैं मर्लिन प्रिंसिपल। और मर्लिन प्रिंसिपल में ऐसा है कि बिगिन विद द एंड इन माइंड, वहां से आप प्लान करो कि भाई मेरा टारगेट क्या है, मुझे पढ़ाई कैसी कैसी करनी है, कितने कितने सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देने का है। और यदि आप वो प्लान करते हैं तो डेफिनेटली आपका जितना भी आप चाहते हो कि मुझे इतने मार्क्स मिलना है तो डेफिनेटली मार्क्स मिल जाएगी। तो टाइम टेबल बनाने के समय आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा टाइम जा रहा कहाँ है। हमारा टाइम काफी डिस्ट्रैक्शन में जाता है, बहुत डिस्ट्रैक्शन हमें आते रहते हैं। मतलब कोई घर में बैठे तो माँ बुला लेगी, पिताजी बुला लेंगे, या कोई भाई आएगा वो कुछ पूछ लेगा, कोई इधर से उधर जाता है, उधर से इधर जाता है, तो वहां से डिस्ट्रैक्शन होता है। किसका फोन बजने लगता है वो फोन पे बात करता है, कोई घर में टीवी चालू करेगा। तो हमको ये देखना है कि हमारा डिस्ट्रैक्शन कहाँ कहाँ होता है। तो पहले ये आप नोट डाउन करो कि भाई मेरा टाइम जो है इसमें टाइम को भगाने वाला, मतलब डिस्ट्रैक्ट करने वाला, मेरा अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन निकालने वाले कौन सी बात है और उसके लिए मैंने क्या क्या करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, मेरा टाइम पास कहाँ कहाँ हो रहा है। यदि कोई दोस्त आते हैं उनसे गप्पे मारते बैठे, या कोई रिलेटिव आ गए उनके साथ में गप्पे मारते बैठे, और फिर वो कभी काम पड़ा बीच में, किसने टीवी ऑन कर दिया तो टीवी देखते बैठे, तो मेरा टाइम पास कहाँ हो रहा है वो पहले नोट डाउन करना चाहिए। क्योंकि मैं हरदम ये बोलता हूँ कि आपका टाइम घंटों में नहीं वेस्ट होता, मिनटों में वेस्ट हो जाता है। तो आपका देखना है कि भाई टाइम पास कहाँ हो रहा है। फिर ये भी देखना है कि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा व्हाट्सएप मत देखो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि फेसबुक मत देखो, बिल्कुल जरूर देखो, मगर वो भी शेड्यूल करो आपके शेड्यूलर में। तो मेरा फेसबुक देखने का टाइम ये है, या व्हाट्सएप देखने का टाइम ये फलाना फलाना है। क्योंकि मैं ऐसा बोलूंगा कि मत देखो तो फिर लोग बोलेंगे नहीं नहीं अभी तो जमाना अलग है, आपको क्या समझता है। तो डेफिनेटली आपको पिक्चर देखने का है, पिक्चर हॉल में जाके पिक्चर देखने का है, फेसबुक देखने का है, टीवी देखने का है, व्हाट्सएप देखने के है, फोन से लोगों को बात करने की है, मतलब कोई यूट्यूब में कोई वीडियो देखने के है, कोई कुछ भी जो भी आपको करने का है वो सब पहले लिखो और उसको शेड्यूल करो। आपके पढ़ाई को भी शेड्यूल करो, जैसा आपके स्कूल में या कॉलेज में या ट्यूशन जाने का टाइम कौन सा है, 8 से 1, वो डायरी में लिखो 8 से 1 कॉलेज या 8 से 1 ट्यूशन, जो भी है वो। तो वो उठेंगे कितने बजे, फिर आप उठने के बाद में जो टाइम सुबह वेस्ट हो जाता है, आराम से उठेंगे, धीरे धीरे उठेंगे, आराम से ब्रश करेंगे, फिर दूध या चाय कॉफ़ी लेंगे, फिर वहाँ से फिर धीरे से कुछ पेपर सामने आया तो वो पढ़ लेंगे। मतलब ऐसा अनशेड्यूल न रखते हुए बिल्कुल शेड्यूल कितने बजे उठूंगा। समझो सुबह आप 6 बजे उठते हैं तो 6 बजे से लेके रात को 11-12 बजे तक आपका टाइम टेबल पूरा यदि शेड्यूल किया हुआ है, डायरी में लिखा हुआ है, तो आपका टाइम कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। आप बिल्कुल आधे आधे घंटे का टाइम स्लॉट उसमें डाल दो कि आधे आधे घंटे में 7 से 7:30 में क्या करने वाला हूँ, 7:30 से 8 क्या करने वाला हूँ, 8 से 8:30 क्या करने वाला हूँ। और जो लिखा पहले यह तय करो कि जो मैं लिखूंगा उसको मैं फॉलो करूंगा। ये मेरी जबान है, मैं जो लिख रहा हूँ टाइम टेबल, जो शेड्यूल कर रहा हूँ, मेरी जबान है, और जैसा लिखा वैसा करूंगा। 1 हफ्ते का टाइम टेबल पूरा कम से कम पहले बना लो, मतलब बना तो रहे बिगिन विद द एंड इन माइंड, साल के आखिरी तक या जब एग्जाम है तब तक मुझे कैसा करना है। मगर अवरली बेसिस के ऊपर या हाफ अवरली बेसिस के ऊपर कम से कम 1 हफ्ते का टाइम टेबल बनाओ, शेड्यूल करो। बहुत ज्यादा यदि आप एक दिन में करेंगे और वो बोलेंगे ठीक है अभी आप समझो 3 घंटे या 4 घंटे रोज पढ़ाई कर रहे, अभी आपने समझो ऐसी पढ़ाई कर ली कि मैं 12 घंटे कल से चालू करूंगा, तो जमेगा नहीं, आपको आदत ही नहीं है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो प्रोग्रामिंग हुआ ही नहीं। तो वो सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम यदि करना है तो सबकॉन्शियस माइंड को आपको आदत डालनी पड़ेगी
अभी आप 3 घंटे पढ़ाई करने वाले होंगे या करने की आपकी आदत होंगी, तो आपको उसको 4 घंटे करना पड़ेगा, बाद में 5 घंटे करना पड़ेगा, बाद में 6 घंटे करना पड़ेगा। आपको ट्यूशन कब नहीं है, कौन से दिन छुट्टी है, कौन से दिन टेस्ट है, कौन से दिन त्यौहार है और इसलिए छुट्टियां हैं, सब आप यदि पूरा साल का जो कैलेंडर है वो सामने रखते हैं, दिवाली कब है, दशहरा कब है, तो भी मैं कब कहाँ जाऊँगा, किसके यहाँ जाऊँगा, बाहर जाने का है क्या, कहीं साइट सीइंग को जाने का है क्या, पिकनिक को, जो भी आपको करना मर्जी कर लो। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा कि कुछ मत करो, जो करना मर्जी करो, मगर वो लिखो, कैलेंडर में लिखो, एक डायरी लाओ, आधे आधे घंटे का स्लॉट डालो, आराम की नींद लो, कम से कम 7 से 8 घंटे आप सोते हैं ना, तो जरूर दूसरे दिन एकदम आप एंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक रहेंगे। नींद चैन की और आराम की लेने का है, और शेड्यूल आप करते हैं तो कुछ भी संभव, एनीथिंग। सो टाइम टेबल बनाने के पहले ये सब आपने करना है। मैं फिर से बताता हूँ, डिस्ट्रैक्शंस कहाँ कहाँ हो रहे, कौन मेरा टाइम जो है वो ले रहा है, टाइम पास कहाँ कहाँ होना हो रहा है, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसमें मेरा टाइम कितना जा रहा है, दोस्तों के सामने बात करने में मोबाइल में कितना टाइम जा रहा है, नहाने को कितना टाइम जा रहा है, कपड़े बदलने को कितना टाइम जा रहा है, जो भी आपका टाइम कहाँ कहाँ जा रहा है पहले लिखो, उसकी तैयारी करो, फिर प्रायोरिटाइज करो। प्रायोरिटाइज मतलब महत्व के कौन से काम, महत्व के कौन से सब्जेक्ट है जो आपको कठिन लगते हैं सब्जेक्ट, वो पहले कर लो शेड्यूल करने के समय। वो देखो कि आप ज्यादा एंथुजियास्टिक कब रहते हैं, या ज्यादा आप अवेक, या ज्यादा आप फोकस कब रहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि दोपहर के समय 3 से 5 बजे तक थोड़ा डलनेस आ जाता है, और वो नेचुरल है, उस समय थोड़े हल्के सब्जेक्ट ले लो। शाम को 8, 8:30, 9 के बाद में थोड़ा सा जरा उत्साह बढ़ते रहता है, या सुबह उत्साह रहता है, तो रात को 8 से 10 का जो टाइम है उसमें नींद इतनी नहीं आती है, वो एक टाइम ऐसा रहता है कि उसमें थोड़ी एनर्जी अच्छी रहती है, और सुबह का टाइम तो बेस्ट। दोपहर का टाइम जो है 3 से 5, उसमें ऐसी पढ़ाई रखो कि जिसमें वो इजी है और आपको कंप्लीट करना बहुत आसान है, ऐसी पढ़ाई रखो। आप शेड्यूल बनाओ, आप जो चाहेंगे, जितने भी मार्क आप चाहते हो, जहाँ भी आप एडमिशन चाहते हो, वो पक्के हो जाएंगे। शर्त यह है कि टाइम टेबल बनाने के पहले अपने आप से पहले वादा करो कि यह 8 दिन में जो मैं टाइम टेबल लिखूंगा, तो जो लिखा वैसा ही मैं करूंगा, जैसा बोल रहा हूं वैसा करूंगा, जैसा लिखा है वैसा करूंगा। देखो कितना फर्क पड़ जाएगा। सब स्टूडेंट को, आप वीडियो देख रहे हो, सब स्टूडेंट को आप ये पास करो, ये वीडियो शेयर करो, सभी स्टूडेंट ये करेंगे ना, तो देखो कितने लोगों को मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स तो भी पढ़ी नहीं है, लोगों को नॉलेज कितना अच्छा होगा, लोग पढ़ाई कितने अच्छे करेंगे, और पढ़ाई यदि अच्छे करते हैं, जैसा भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येव अधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, फल की चिंता मत करो, मार्क्स की चिंता करो ही मत। यदि आप कर्म करते रहेंगे, पढ़ाई अच्छी तरह इस तरह से करते रहेंगे, मार्क्स तो मिलने वाले है ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, बाकी आपके स्टूडेंट्स जो है, आपके जो दोस्त हैं, उनको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और एक ऐसी पीढ़ी, हम ऐसी जनरेशन तैयार करेंगे कि जो जनरेशन ऐसा मतलब अपना टाइम शेड्यूल कर रही है, और ऐसी उत्पादकता अपनी बढ़ाई रही, मतलब आगे बढ़ा रही है, कि अपना देश आगे बढ़ेगा। हम जो टाइम वेस्ट करते हैं ना, तो वेस्ट नहीं होगा। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये बार बार प्रोग्रामिंग करने की जरूरत है। दिन शुरू करने के पहले खुद को सेल्फ हिप्नोटाइज करो, और बोलो कि मैंने आज का मेरा जो टाइम टेबल है, ये टाइम टेबल ऐसा 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 है, ये टाइम टेबल का मैं पालन करूंगा। खुद को सजेशन दो, सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन दो, उसको हैमर करो कि मैं जैसा लिखा है वैसे ही करूंगा। आप इन लोगों को शेयर करते हैं तो लोग भी करेंगे, और एक नया भारत का निर्माण हम नए पीढ़ी के साथ में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।